पहले स्टार्ट करते हैं हार्ट ऑफ द मैटर इंजन। तो भाई टीवीएस इंट्रॉक का जो इंजन है वो थ्री वाल्व पे काम कर, थ्री वाल्व का यहाँ पे देखो लोगों भी देखने को मिलेगा कि हाँ भाई थ्री वाल्व का इंजन। यहाँ पे देखो इसका हैजर्ड फ्लशर भी मिलता है इनबिल्ट। मैम देखो लुक एट द परफॉर्मेंस, इतना इजीली एक्सेलरेट करता ना भाई, मेरे को तो मजा आ जाता है। आप इंट्रॉक का कोई भी सीरीज लोगे आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगा। 260 टाइमर ऑफ इंट्रॉक, तो फिलहाल मैं फुल थ्रॉटल दिया हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आई थिंक आप मेरे पीछे देख पाओगे कि आज को है एंटॉक 125 BS6 वेरिएंट XHP एडिशन है। तो देख सकते हो रेस एडिशन है मेरे पीछे एंटॉक 125 BS6। तो आज को अपन इसका रिव्यू करेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल का वीडियो पसंद आता है तो गाइज प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियोज एंड नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहे। और आई थिंक आप देख पाओगे कि पीछे है एंटॉक 125 BS6। तो इसका आज को अपन बाइक रिव्यू भी करेंगे और राइड रिव्यू भी करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा कनेक्टेड रहना, वीडियो थोड़ा लास्ट तक देखना, और आपको लास्ट में सजेशन भी दूंगा वेदर वाई एंटॉक 125 BS6 इतना मार्केट में हिट हुआ है, तो उसका भी बहुत सारा रीजंस है। तो चलो वीडियो लेट नहीं करते हैं, और सबसे पहले बताता हूँ कि ये मेरा न्यू चैनल है, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादातर बाइक रिव्यू राइड रिव्यू करूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेटअप पे। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू सेटअप। एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे है TVS एंटॉक 125 रेस एडिशन। तो ये वाला रेस एडिशन है। और एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा कि TVS जो एंटॉक है वो आता है 6 वेरिएंट्स पे। तो एक आता है नॉर्मल ड्रम वाला, एक आता है ड्रम विद डिस्क, और ये है थर्ड वेरिएंट, जो कि आई थिंक मेरे सामने देख पाओगे यहाँ पे लिखा हुआ है एंटॉक 125 रेस एडिशन। और फोर्थ जो एडिशन आता है भाई वो एवेंजर्स एडिशन, उसको स्क्वाड एडिशन भी बोलते हैं। और फिफ्थ एडिशन जो आता है XHP एडिशन, जिसमें आपको एलॉय व्हील्स रेड मिलेगा। इसका तो नॉर्मल ब्लैक है क्योंकि ये रेस एडिशन है। और सिक्स वेरिएंट जो है, जो नया न्यूली लॉन्च है XT, जिसका मीटर थोड़ा चेंज है। यहाँ पे देख पाओगे ये ओल्ड मीटर है जो BS6 के साथ आता था। एंड फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो ये है इंट्रॉक। और सामने से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्यूटीफुल LED DRL, जो TVS ही है, जो यहाँ पे टी कलर का DRL देता है। स्विच ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे है वो वाइट DRL। अभी फिलहाल दिन का टाइम है तो आपको दिखेगा नहीं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्ट ऑफ द मैटर इंजन। तो भाई TVS इंट्रॉक का जो इंजन है वो थ्री वाल्व पे काम करता है, मतलब टू इनलेट वन आउटलेट। तो इसलिए क्या होता है, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और स्पोर्ट्स स्कूटर भी है। तो जो इंजन का जो पावर है नियर अबाउट 9.2 BHP है, एंड टॉर्क है 10.25 Nm। अगर आप इसका XBHP और XT एडिशन लोगे तो उसमें आपको 10 BHP का पावर मिलेगा। एंड इंट्रॉक इज ओनली द 125 सेगमेंट में ऐसा स्कूटर है जिसमें 10 BHP का पावर मिलेगा। अगर आप टॉप मॉडल लेते हो XBHP और XT एडिशन जो न्यूली लॉन्च है, जिसका स्पीडोमीटर कंसोल चेंज है। एंड फिलहाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि थ्री वाल्व का, यहाँ पे देखो लोगों भी देखने को मिलेगा कि हाँ भाई थ्री वाल्व का इंजन है। इंजन तो तगड़ा है, परफॉर्मेंस भी मस्त है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ये एक्स रेस एडिशन है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देखो यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, हीट का भी दिखा रहा है, यहाँ पे पेट्रोल दिखा रहा है, कितना ट्रिप चला है, ओडोमीटर भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिलता है, लैप टाइमिंग, इसमें आपको लैप टाइमर दिखाता है कि आप कितना सेकंड में कितना रन की हो बाइक। यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा रहा है, मतलब लैप टाइमर का आपको फुल स्पेसिफिकेशन भी बता रहा है। फिलहाल अभी स्ट्रीट मोड में लगा हुआ है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे देखोगे और एक चीज़ जो सबसे अच्छा लगता है मुझे इंट्रॉक का, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साउंड। और देखो यहाँ पे किल स्विच भी है, जैसे मैंने स्कूटर को ऑन किया तो आई थिंक आप देख पाओगे कि यहाँ पे फिलहाल मीटर में पता नहीं स्पीड क्यों दिखा रहा है, डोंट नो। देखो यहाँ पे मैं किल स्विच है, इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, और एक बार करके दिखाता हूँ। देखो मैं इसको कट करूँगा तो किल स्विच भी काम करता है। और एक सबसे अच्छा बात है इंट्रॉक में कि आपको मिलेगा मतलब साइड से इंजन कट ऑफ। तो जैसे देखो अभी स्कूटी ऑन है, मैं आपको पूरा प्रॉपर वे में दिखाता हूँ। अगर मैं इसको स्टैंड नीचे करता हूँ तो इंजन कट हो जाता है, सेफ्टी फीचर्स है भाई। एंड फिलहाल सब कुछ सही है, मतलब मैं बोलूँगा 125 CC में सबसे बेस्ट लुकिंग स्कूटर है, सब कुछ भी इसका सही है। और सामने का टायर से भी स्टार्ट करते हैं तो आपको देखो यहाँ पे मिलेगा 100x80 12 इंचेस का टायर। हाँ, तो TVS एक ऐसा ब्रांड है जिसका जुपिटर ले लो, जेस्ट ले लो, कोई सा भी स्कूटी ले लो, आपको सामने 12 इंच का अलॉय मिलेगा। देखो JK टायर का इनबिल्ट आता है, मतलब कंपनी से ही JK टायर का आता है, तो अच्छा क्वालिटी का टायर भी मिलेगा। और इधर में आई थिंक आप देखने को मिलेगा आपको डिस्क ब्रेक, तो इधर भी देख सकते हो पेटल डिस्क है, जो TVS अपाची सीरीज में आता है वही वाला है। तो कन्वेंशनल डिस्क से पेटल डिस्क अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ हीट डिसिपेशन। और देखो सिंगल पिस्टन कैलिबर है, यहाँ पे रबर माउंटेड मतलब ब्रेक लाइन है, स्टील बेल्टेड होता तो और अच्छा होता। फिलहाल अब बैक टायर का बात करते हैं, तो देख सकते हो बैक टायर भी JK टायर का है। आई थिंक अब बैक टायर का जो साइज़ है, हाँ देखो यहाँ पे लिखा 110x80 12, तो पीछे वाला टायर 110 सेक्शन का है, सामने वाला 100 सेक्शन का है, लेकिन जो दोनों का 11 इंचेस का जो साइज़ है वो 12 इंच का ही है। बेसिक मुद्दा का बात है कि चलाने में कैसा है वो मैं आपको जस्ट अभी थोड़ा सा हेलमेट का राइड रिव्यू देके दिखाऊंगा। तो ये बेसिक सा मतलब थोड़ा सा ओवरऑल एक रिव्यू दे दिया हूँ, उसके बाद चलो मिलते हैं हेलमेट का नेक्स्ट सेटअप पे। आई थिंक मैंने सब चीज़ कवर कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, आपको एक्सटर्नल फ्यूल किलर कैप भी मिलता है। अगर मैं इसको इधर से रोटेट करूँगा
देखो तो ये सीट खुल जाएगा, देखो सीट का भी स्पेस सही है। यहाँ पे आपको एक एलईडी लैंप भी मिलता है, चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगा, और ये वाला इश्यू जो स्कूटी का अपडेट होता है शोरूम में वो वाला है। एंड यहाँ पे अगर मैं इधर टर्न करता हूँ, देखो इधर एक्सटर्नल फ्यूल फिलर गैप भी है। तो सो फार सो गुड, एंड सब कुछ आई थिंक मैंने कवर कर लिया है। अब चलो एक बार इसका राइड रिव्यू लेकर देखते हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर लास्ट में बता पाऊंगा। यहाँ पे देखो इसका हैजर्ड फ्लैशर भी मिलता है इनबिल्ट, जो कि बहुत ही सही बात है। तो यहाँ पे देखो कि हैजर्ड लाइट ऑन करने से दोनों साइड का कंपनी फिटेड ही हैजर्ड लाइट आता है। तो सो फार सो गुड, एंड चलो अब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना राइड रिव्यू। परफॉर्मेंस मैन, देखो लुक एट द परफॉर्मेंस, इतना इजीली एक्सलरेट करता है ना भाई, मेरे को तो मजा आ जाता है। आप एंट्रो का कोई भी सीरीज लोगे आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, मेरे से लिख के ले लो, एकदम जबरदस्त जबरदस्त स्कूटी है। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे थोड़ा सा माइलेज कम है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं नियर है, बट आप एक्सेप्ट कर लो 42 से 45 तक मिलेगा अगर आप प्यार से चलाओ। नहीं तो भाई मान के चलो 40 आपको देगा, ठीक है। 3-valve इंजन है तो थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा लेगा, क्योंकि भाई ऑफकोर्स स्पोर्ट्स स्कूटर है ना, 3-valve इंजन है तो स्पोर्ट्स स्कूटर है, तो इसीलिए थोड़ा सा माइलेज कम मिलेगा, लेकिन भाई चलाने में फुल मज़ा आ जाएगा। देख रहे हो मुझे जैसे मज़ा आ रहा है, इन नो टाइम एट ऑल माई फ्रेंड भाई ये 60 का स्पीड अचीव कर लेता है भाई, नो टाइम एट ऑल 60 का स्पीड तो इजीली, मैं अभी भी फुल थ्रॉटल ले गया था तभी भी 70 का स्पीड इतना इजीली अटेंड कर लिया। और अभी जो हैंडल छोड़ के चला रहा हूँ इसमें लगता है बहुत मेहनत, क्योंकि भाई मुझे बहुत प्रैक्टिस हो चुका है इसलिए। और एक चीज़ बोलूँगा, चलाने में बहुत फन टू ड्राइव है, ठीक है। ये मेनली जो TVS Ntorq है मेनली यूथ को ज़्यादा मतलब फोकस्ड है, यूथ फोकस्ड स्कूटी है ना, तो यूथ को ज़्यादा ओरिएंटेड है, तो भाई यूथ के लिए एकदम सही स्कूटी है भाई, एकदम जबरदस्त है भाई, जबरदस्त भाई, क्या ही बोल भाई, इतना बेहतरीन पिकअप है ना। मुझे पर्सनली Ntorq बहुत पसंद है, स्पेशली उसका जो एग्जॉस्ट नोट है ना भाई, रेस्पियर एग्जॉस्ट नोट है भाई, एकदम मतलब थ्रोटी डीप, जैसे आई थिंक आपको पता होगा आप अच्छी सीरीज का कितना थ्रोटी एग्जॉस्ट नोट है, तो एकदम वैसा ही एग्जॉस्ट नोट है। और यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि कितना माइलेज देगा, ठीक है, पूरा बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड आता है, ये एक्सटेंड ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट होता है, तो भाई पूरा मतलब सही सीन है। यहाँ से घूम जाते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं अब जाना है, और हैंडलिंग भी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे एक 0-60 करके देखते हैं कि वेदर Ntorq कितना अच्छा पुल करेगा। तो अभी किल को ऑफ करते हैं, तो भाई फिलहाल अभी पीछे ट्रैफिक क्लियर है, एंड दिस इज़ द 0-60 टाइमर ऑफ Ntorq। तो फिलहाल मैं फुल थ्रॉटल दिया हूँ 60, देखते हैं कितना सेकंड में क्रॉस करता है, और ये टॉप स्पीड रन भी हो सकता है बोल सकते हो आप। तो देखो कितना इजीली भाई 97 तक वो अचीव कर लिया। तो भाई Ntorq का जो स्पीड है ना भाई बहुत मस्त है, और बहुत ज़्यादा फन टू ड्राइव स्कूटर है, हैंडलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। देखो मैं इधर इधर निम्बल कर रहा हूँ, मतलब ज़बरदस्त स्कूटी है भाई, सच बोल रहा हूँ। अगर जिसको लेना है ना भाई एकदम ले लो, और आप देख लो कि आपको कौन सा मॉडल लेना है। Ntorq में भाई आता है 6 मॉडल, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मॉडल्स आता है। तो सबसे बेसिक वाला है जो ड्रम वेरियंट, जिसमें आपको सामने डिस्क नहीं मिलेगा, उसके बाद आता है ड्रम विद डिस्क, और ये थर्ड वेरियंट है जिसमें आता है 125 रेस एडिशन। तो सबसे ज़्यादा Ntorq का यही वाला बिकता है 125 रेस एडिशन। फोर्थ, और उसके बाद फोर्थ एडिशन भाई एवेंजर्स एडिशन, जो आई थिंक सबको पता होगा, जिसको स्क्वाड एडिशन भी बोलता है Ntorq, मतलब TVS बोलता है। और फिफ्थ जो एडिशन है भाई वो वाला है XHP एडिशन, जिसमें आपको एलॉयज रेड मिलेगा, और XHP एडिशन में आपको भाई जो मतलब इंजन का पावर है वो नियर अबाउट 10 BHP मिलेगा। एंड उसके बाद 6th वेरिएंट जो है XT एडिशन, जिसमें अभी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसको सेपरेट कर दिया गया, TFT कलर डिस्प्ले दे दिया इधर में गोल सा कुछ एक तो दिया है, तो उसका भी रिव्यू जल्दी करेंगे। तो सो फार सो गुड भाई, Ntorq इज द बेस्ट 125cc सेलिंग स्कूटर इन द इंडियन मार्केट राइट नाउ, एंड स्पेशली हमें भाई बहुत गर्व होता है कि भाई ये इंडियन मैन्युफैक्चर TVS ने इतना बेहतरीन सा स्कूटी बनाया है भाई, लाजवाब स्कूटी है भाई, देख के ही मजा जाता है और चला के भी मजा आ जाता है। फिलहाल सो फार सो गुड, एंड चलो अब थोड़ा सा फेस टू फेस मिल लेते हैं। सो भाई लोग, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आपको पता लग ही गया कि TVS का Ntorq जो 125 रेस एडिशन है मेरे पीछे, आई थिंक आप वीडियो फ्रेम में देख पाओगे, उसका राइड रिव्यू और बाइक रिव्यू मैंने पूरा किया है, मतलब डिटेल रिव्यू किया है, ठीक है। मेनली मैं फोकस किया हूँ कि चलाने में कैसा मजा आता है, पावर फिगर्स में मैं ज़्यादा नहीं हूँ। तो आई थिंक आपको देखने को मिला होगा कि भाई जबरदस्त स्कूटी, अगर मैं अपना सजेशन और ओपिनियन दूँ तो TVS Ntorq 125 BS6, आप कोई सा भी वेरिएंट लो आप कभी नाराज नहीं रहोगे, कभी डिसअपॉइंट नहीं रहोगे, इतना बेहतरीन बाइक भाई TVS ने बनाया है, और हमारा इंडियन मैन्युफैक्चर ही है TVS, तो हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। इनफैक्ट TVS Ntorq दिखता भी है,
तो मैं बोलूंगा टीवीएस एंटॉर्क का 6 वेरिएंट आता है, ठीक है। आपको जो सा भी लेना है आप ले सकते हो। सबसे टॉप मॉडल है XT, इसमें दो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है कलरफुल वाला। उसका ऑन रोड नियर अबाउट जाता है 1,28,000 से 1,30,000 के आसपास। एंड ये वाला जो है रेस एडिशन जो मेरे पीछे देख रहे हो, इसका ऑन रोड जाता है नियर अबाउट 1,15,000 से 1,000 तक आसपास। और डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट व्हिच यू आर चूजिंग, यू कैन सिलेक्ट एंड चेक द ऑन रोड प्राइस ऑन bikewale.com। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। मेरा चैनल का ये बनाने का मोटिव है कि मैं आपको पूरा क्लियर वे में बता पा रहा हूँ कि वेदर ये सही है कि नहीं, चलाने में कैसा है। तो वही सब रीजन है। और एक चीज बोलूंगा, इसका जो कंपटीशन है भाई, मेनली देखो ये स्पोर्ट्स स्कूटर है, तो इसका कंपटीशन होगा एप्रिलिया SR125 के साथ। तो मैं बोलूंगा भाई वो बाइक अलग सेगमेंट का है, मतलब एप्रिलिया SR125 अलग सेगमेंट का है, ठीक है। ये जो है ना इंटर कंट्री में भी एकदम मतलब रॉ पावर आपको जैसा फील लगा, थ्रॉटल खोलते ही आपका बाइक फुल भागेगा, मतलब स्कूटर भागेगा। तो एक चीज यही बोलूंगा कि ये बाइक जबरदस्त है, जिसको लेना है मेरे तरफ से थम्स अप है, ले लो। और इंटॉक का कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई, इंटॉक 125 BS6 का कोई कंपटीशन ही नहीं है इंडियन मार्केट में, जबरदस्त बिकता है, बाइक भी सही है। तो चलो भाई आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय टुडेज़ व्लॉग्स, सो गाइस राइड सेफ, राइड हार्ड, अर्न मनी, बी हैप्पी, चेज़ ऑडियो, मेक अदर्स हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, एंड मैं सोशल मीडिया का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। सो फार सो गुड, एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट बाइक रिव्यू में। अगर कौन सा बाइक रिव्यू का वीडियो देखना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, उसका रिव्यू जल्दी करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Yeah.